बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिनकी पहचान बोल्ड एक्ट्रेसेस के तौर पर है। इन एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में बोल्ड सीन से खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन बोल्ड सीन्स देकर रातों रात चर्चा में आने वाली इन एक्ट्रेसेस में से ज्यादातर का फिल्मी करियर फ्लॉप ही साबित हुआ। आइए आज के इस वीडियो के जरिए हम बात करते हैं ऐसी ही अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर वन पर नाम आता है मलिका शेरावत का। मलिका शेरावत ने महेश भट्ट की फिल्म मर्डर से अपना डेब्यू किया था। मलिका ने फिल्म में खूब बोल्ड सीन्स दिए, इसके बाद भी वो फिल्मों में अपनी बोल्ड अदाओं के कारण चर्चा में रही। बावजूद इसके मलिका का फिल्मी करियर फ्लॉप ही रहा। नंबर दो पर बात करते हैं उदिता गोस्वामी की। फिल्म जहर और अक्सर में अपनी बोल्ड अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी की गिनती भी फ्लॉप एक्ट्रेसेस में होती है। नंबर तीन पर बात करते हैं तनुश्री दत्ता की। तनुश्री दत्ता ने फिल्म आशिक बनाया आपने में कई बोल्ड सीन्स दिए थे। बतौर बोल्ड एक्ट्रेस बॉलीवुड में उन्होंने खुद को स्थापित भी किया, लेकिन तनुश्री ने फिल्मों को जल्दी ही अलविदा कह दिया था। नंबर चार पर बात करते हैं कोयना मित्रा की। बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली कोयना मित्रा भी बहुत कम समय में बॉलीवुड से गायब हो गई। नंबर पांच पर नाम आता है गीता बसरा का। गीता बसरा ने द ट्रेन जैसी फिल्मों में बोल्ड सीन्स देकर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनका बॉलीवुड करियर फ्लॉप साबित हुआ। फिलहाल वो हरभजन सिंह से शादी करके बॉलीवुड से दूर हो चुकी हैं। नंबर छह पर बात करते हैं शर्लिन चोपड़ा की। टाइम पास और रेड स्वास्तिक जैसी फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने वाली शर्लिन चोपड़ा भी बॉलीवुड में फ्लॉप ही रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेकर शर्लिन चोपड़ा चर्चाओं में रहती हैं। शर्लिन चोपड़ा अपने फिल्मी करियर से ज़्यादा अपने विवादित बयानों और न्यूड तस्वीरों को लेकर चर्चा में रही हैं। शर्लिन चोपड़ा ने मॉडलिंग से लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ बोल्ड फिल्में में भी काम किया। इसके अलावा वो टीवी की दुनिया के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। नंबर सात पर बात करते हैं मेघना नायडू की। मेघना नायडू ने फिल्म हवस में काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए थे। बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बनाने वाली मेघना बहुत जल्दी ही फिल्मों से गायब हो गई। नंबर आज पर बात करते हैं सेलिना जेटली की। वेल दोस्तों, सेलिना जेटली ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत ही फिरोज खान की फिल्म जानशीन से की थी, जिसमें उन्होंने अपना जबरदस्त अंग प्रदर्शन किया, पर ना फिल्म कुछ कमाल दिखा पाई और ना ही एक्ट्रेस। इसके बाद फिल्म रेड में भी उन्होंने कई बोल्ड सीन्स किए, लेकिन उनका करियर ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन बोल्ड अभिनेत्रियों पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है, क्या वाकई बोल्ड सीन्स देने के बाद भी अभिनेत्रियों को हिट होना चाहिए या फिर फ्लॉप हो जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।